आठवीं फेल कबाड़ी ने 71 लोगों से ठगे 2 करोड़। कुछ से तो युवती बनकर की अश्लील चैटिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजप्रीत कौर और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। आरोपी ने 27 लोगों से युवती बनकर अश्लील चैटिंग की और झांसे में लेकर अश्लील वीडियो चैट से वीडियो बना ली। 44 लोगों को OLX पर फौजी बनकर सस्ते में बाइक बेचने के नाम पर ठगी कर दी। हरियाणा के सोनीपत के गोहाना के युवक से सोशल मीडिया पर दोस्ती पर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर पैसे मांगने के मामले में साइबर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी राजस्थान के जिला दौसा के गांव कोट का रहने वाला अशफाक है। आठवीं फेल आरोपी कबाड़ी का काम करता है। आरोप है कि वे करीब 71 लोगों से ठगी कर उनसे 2 करोड़ से अधिक की राशि ऐंठ चुका है। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेके पूछताछ शुरू कर दी है। साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने बताया कि गोहाना के रहने वाला एक युवक ने शिकायत दी थी कि वे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसने फेसबुक पर एक युवती की तरफ से मिली मित्रता का आग्रह स्वीकार कर लिया था। उसके बाद फेसबुक पर मैसेज होने लगे। युवती ने उसको एक दिन व्हाट्सएप पर मैसेज करने का झांसा दिया। व्हाट्सएप पर अश्लील संवाद करके उसने युवक से कपड़े उतार कर वीडियो कॉल करने को कहा। युवक के वीडियो कॉल करते ही आरोपी ने दूसरी ओर से अश्लील वीडियो चला दी और युवक की उसके साथ में दूसरे मोबाइल से वीडियो बना ली। उसके बाद युवक को उसकी अश्लील वीडियो भेजकर उसको वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जाने लगा। उससे 21,000 रुपए की मांग की गई, जिस पर युवक ने पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को काबू कर लिया गया है। साइबर थाना प्रभारी ने बताया कि टीम ने मामले में जांच करते हुए पता लगाया कि आरोपी राजस्थान का रहने वाला है, जिस पर राजस्थान जिला दौसा के गांव कोट निवासी अशफाक को गिरफ्तार कर लिया। अशफाक ने पुलिस को बताया कि वे आठवीं फेल है और कबाड़ी का काम करता है। वे खुद ही लड़की बनकर मैसेज करता था। उसने वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। पुलिस को उसके मोबाइल में कई लोगों की अश्लील वीडियो बरामद हुई। उसने 27 लोगों की वीडियो बनाकर पैसे ऐंठने की बात कबूल की है। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। अब तक पता लगा कि वे 71 लोगों को शिकार बनाकर 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है। 44 लोगों को OLX पर फौजी बनकर सस्ते में सामान की बिक्री करने के नाम पर ठगी की। पुलिस के अनुसार आरोपी अशफाक हैदराबाद में पकड़ा गया था। वे करीब 1 साल जेल में बंद रहा। वे OLX पर फौजी बनकर लोगों को सस्ते में अपनी बाइक और अन्य सामान बेचने का झांसा देता था। वे एक फौजी का पहचान पत्र और बाइक की फोटो OLX पर डाल देता था। उसके बाद लोगों को एडवांस भुगतान का झांसा देकर उनके खाते खाली कर देता था। इस तरह वे 44 लोगों के खाते खाली कर चुका है। बताया गया है कि वे 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है। पुलिस उसके बैंक खाते व मोबाइल की जांच में लगी है। राजस्थान का रहने वाला आरोपी अशफाक साइबर ठगी करता था। उसने करीब 71 लोगों के साथ ठगी करने की बात की है। उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। उसके मोबाइल व बैंक खाते की जांच की जा रही है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।